हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना राज। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रीना राज पे। सो गाइस, तो आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। मतलब जिनका ड्यूटी रहता है या ऑफिशियल ड्यूटी रहता है उनके लिए संडे तो बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि उसमें रेस्ट करने को मिलता है। और हम लोग जैसे इंसान को तो संडे क्या हो, मंडे क्या हो, अब तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। पहले छोटे छोटे हम लोग भी थे ना, तो संडे सैटरडे का बहुत वेट करते थे। संडे हम लोग की लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट था, मतलब रोल करता था। बट अब तो ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो कभी कभी याद भी नहीं रहता कि आज संडे है या कुछ है। तो अभी मैं फ़िलहाल नहा के आ गई हूँ, एंड नहा के आने के बाद यहाँ पर हम आज ना हेयर वॉश नहीं किए हैं। पहले संडे के दिन बहुत मतलब फ़िक्स था कि संडे है तो हेयर वॉश करना ही है, बट अब ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो अभी मेरे सर में बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, इसीलिए ना हम ऐसे आज बाल का हेयर स्टाइल कर लिए हैं कि थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो उसे चिपको चिपको टाइप का लगता है बिल्कुल। वैसे भी मतलब फेस तो अजीब दिखता है, एंड जब तेल लगा लो तो और भी ज़्यादा अजीब दिखने लगता है, इसीलिए हम ऐसे कर लिए। और ठंडी के दिनों में ना हम सबसे पहले नहा के आते हैं ना, फेस वॉश करते हैं, उसके बाद हम ये लैक्मे का पीच मिल्क लगाते हैं और कुछ भी नहीं लगाते। आप लोग देखिएगा, मतलब बहुत दिनों से हम सोच रहे थे आप लोग को बताने के लिए, बट भूल जा रहे थे। हम ना नहा के आने के बाद बस पीच मिल्क लगा लेते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब सुबह में लगाते हैं ना तो दोपहर तक, मतलब क्या कहें, शाम तक ऐसा फील नहीं होता, ड्राई ड्राई फील नहीं होता है मेरे को। इसलिए हम ये एक साल से यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। मतलब पिछले ठंडी में भी यूज किए थे और इस साल ठंडी में भी यूज किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लगा लिए सिंदूर, जो कि हर सुहागन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद आजकल हम अपने रूटीन में एक ऐड कर लिए हैं काजल, तो उसको भी लगा लिया। एंड लिप में हम ये मामा अर्थ का लिप बाम लगाते हैं। मामा अर्थ का इस वजह से लिए थे क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, हम लगाते तो उसको भी लगाना रहता है, तो इसीलिए उसके लिए ही ले लिए थे। सो गाइस, तो डन हो गया मेरा। एंड मैं हमेशा ठंडे के दिनों में यही रूटीन फॉलो करती हूँ, बस फेस में लैक्मे का पीच मिल्क लगाती हूँ और कुछ भी नहीं। और सिंदूर, बिंदी एंड काजल तो इधर लगाना स्टार्ट किया। जो मेरा डेली ब्लॉग देखता होगा उनको पता होगा कि मैं क्यों लगा रही हूँ काजल। वैसे काजल लगाने से इसमें फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा रहता है। तो अभी हम लगा लिए हैं, एंड कैसे लग रहे हैं बताइएगा। बाल में तो बहुत ज़्यादा ऑयल है, पर कोई नहीं, कभी कभी ऑयल भी रखना सही रहता है। वैसे भी रात में मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा था, तो इस वजह से मम्मी रख दी थी। तो मैं सोची थी कि आज लगाऊंगी, बट कल रात नाइट में ही ज़्यादा लगा दी थी। तो अभी फाइनली हम नहा लिए हैं, एंड आज लेट ना है, मतलब 12 बज गया है मेरे को नहाने में, क्योंकि सुबह में बहुत ठंडी लग रहा था, इसीलिए मेरे को आज नहाने का मन नहीं किया है। तो अभी मम्मी और पापा और चिक्की तीनों लोग गए हैं मार्केट, क्योंकि आज है संडे, तो संडे में मार्केट करना तो ज़रूरी है ना, सो इस वजह से। एंड हमारे घर कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, सो कौन आएगा वो तो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, इस ब्लॉग में नहीं, अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। एंड आई होप, मैं डेली, आप लोगों को पता है मैं डेली जगती हूँ एंड हम अपना चेक करती हूँ वीडियो कितना गया क्या गया, और सोचती काश एक दिन ऐसा होता कि मेरा व्यू चला जाता 1K। मैं तो पूरा सॉफ्टी हो जाती है डेली, इसी होप के साथ मतलब खोल के चेक करती हूँ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 100 भी नहीं जाता 1K, तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, अभी मेरे को फ़िलहाल अपना कपड़ा वॉश करना है। मम्मी ने अपना और चिकी का तो जो था, मतलब कल का शाम से जो उसका चेंज हुआ, तो वो सब ड्रेस धो दिए। अभी वो नहाई, उसका ड्रेस और मेरा ड्रेस दोनों लोग का बाकी है। तो अभी हम जा रहे हैं कपड़ा वॉश कर लेने, फिर आप लोग से बातें करते हैं। वेट, आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। एंड हम ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किए, मतलब मेरा सारा काम हो चुका है, नाश्ता खाना सब बन गया है, बस चावल बनाना बाकी है, तो इस वजह से। तो चलिए, अभी हम जा रहे जल्दी जल्दी कपड़ा वॉश कर लेने, नहीं तो मम्मी की फिर आ जाएंगी तो बोलेंगे तुम कर क्या रही थी। तो चलिए, मेरा कपड़ा वगैरह धुल गया एंड हम आ गए छत पे। ज़्यादा कपड़ा तो था नहीं, बोले ही थे जैसा कि मतलब मेरा था एंड चिकी का कुछ था। मम्मी अपना और चिकी का जो सुबह में कल का शाम तक का पैंट वगैरह कुछ कुछ था वो सब वॉश कर दी थी, तो बस मेरा कपड़ा था और चिकी कपड़ा था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब 20 से 25 मिनट में धुला गया। एंड फिर उसके बाद हम आ गए छत पे और छत पे भी धूप बहुत अच्छा किया हुआ है, मतलब सूख जाएगा शाम तक कपड़ा। हम तो 12 बजे के लपेट में धोएं, देखते हैं क्या होता है, शाम तक पता ही चल जाएगा। कभी कभी जो मेरा उलन वाला। सो गाइस, तो फाइनली डाल लिए कपड़ा एंड अभी पापा मम्मी ये सब नहीं आए हैं तो फिलहाल बैठे हैं। बच्चा जब रहता है तो लगता है बाप रे कोई कोई लेके चला जाता सही रहता है, और अभी नहीं तो लग रहा है कि एकदम शांत शांत शांत, ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना टाइम से कहाँ गई है। नहीं तो है एकदम मम्मा ये मम्मा वो मम्मा ये मम्मी वो मम्मी ट्रेन। अभी छत पे आ रही थी कितना दौड़ती रहती है, आराम से हम कपड़ा डाले और वो रहता ये क्लिप पकड़ाती, बाल्टी का कपड़ा निकाल के डालती, मतलब आधा से अधिक काम मेरा करती वो। और अभी बाज़ार में पापा लोग को तंग की होगी, पापा उसको मार्केट ले जाने का उनको बिल्कुल मन नहीं था, बोल रहे थे तुम रख लो, हम बोले नहीं आप लेके जाइए। बोल रहे थे हम सब्जी खरीदेंगे, इसको पकड़ने वाले हम पिछले संडे में कैसे लगे थे, आप लेके जाइए आप लोग, क्योंकि मेरे को बहुत काम था, नहाना था, ये सब काम करना था। इस बार सोचे अगर रहती तो बहुत ज़्यादा परेशान करती, मोबाइल देखना है, ये करना है, वो करना है, मतलब बोलती रहती। तो फिलहाल अभी छत पे आ गए, थोड़ा सा धूप ले रहे हैं, धूप अच्छा है। बाकी सारा कपड़ा भी पलट दे रहे हैं ताकि मतलब जल्दी से सूख जाए, जो मम्मी डाली है वैसे सूख ही जाएगा, धूप बहुत अच्छा किया हुआ है, कड़क है, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, तो चिक्की आ गई एंड अभी देखिए चिल्ला रही है कैसे, अब पापा बहुत गुस्सा है, ये तो बोलेंगे देखो परेशान के ले रहे, हाई के ले रहे, हो के ले रहे। नीचे जा रहे, चाबी लेके क्योंकि बंद कर लिए थे मम्मी। हाँ देखो तुम कैसे जबल बच गए, कोई चुप चुप हमरा कहती है, देखो तो रे क्या हुआ चिक्की ना ना, तुमको नाना मारे ना मारे, ना ना हाँ तंग कर दी थी, हाँ कैसे तंग की ऐसे, हाँ नाना अब बाजार नहीं जाएगी ना, नहीं नाना गज गजू हाँ बुआ। दे दो है उसमें है तो दे दो दो है सो वही देखो बुका नहीं पका होती है कि बात है कहा चिकी, देखो कितना ज़्यादा है, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा है चिकी, लो तुम ही खा जाओ। आगे चिक्की नाना परेशान कर दी थी ना, उनको चिप्स बहुत पसंद है बट दूसरा कोई देता है तो नहीं लेती है, नाना नानी यही सब देगा तो लेगी। और मैं इसलिए इसका जल्दी खा जा रही हूँ क्योंकि एक पैकेट खा चुकी हूँ। दे मम्मी नहीं खाएगी, खाऊँ। सो गाइज, तो फाइनली हम आ गए नीचे एंड चिकी को भी सुला दिया और अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। सो आज हम मेरा बहुत दिनों के बाद मन किया खाने का, क्या रुके मैं दिखाते, बहुत ही सिंपल खाना है आज, बस हम चिकी को सुलाते सुलाते मेरा मन कर दिया तो हम तुरंत बनाए एंड अभी ले लिए। मम्मी के साथ आज हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज तो संडे है ना, तो मम्मी मेरी वो सेना नमक खाती हैं। सो चलिए दिखाते हैं, वेट। सो यहाँ पे गर्मा गर्म चावल, लौकी का सब्जी, रोटी, दाल, चोखा। तो मेरे को सबसे ज़्यादा मन था दाल चोखा खाने का और सब्जी नहीं खाने का, पर क्या करें बना था तो हम ले लिए। तो चलिए दाल चावल चोखा एंजॉय करते हैं, मेरे को बहुत मन कर रहा था खाने का तो अचानक से, इसीलिए हम बना लिए खाने के लिए। एंड मम्मी नहीं खाएंगी क्योंकि मैंने चोखा में प्याज डाला हुआ है इसलिए, तो आज हम अकेले ही लंच करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम टीवी देख रहे हैं एंड खाना खा रहे हैं। तो चलिए ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।